एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑन एसटी। आज का हमारा टॉपिक है रीनल फेलर। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने किया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो मैं जितने भी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करवा रही हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रीनल यूज हुआ है किडनी के लिए एंड फेलर मीन्स किसी भी ऑर्गन का फंक्शनल ना रहना, वर्किंग पोजिशन में ना रहना। ओके, तो इसमें क्या होगा? किडनी फेलर में क्या होगा? किडनीज आर अनेबल टू रिमूव बॉडीज मेटाबॉलिक वेस्ट क्योंकि क्या हो रहा है? किडनी फेलर। एंड इसका रिजल्ट क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस डिस्टर्बेंस। ओके, तो देखो इसमें जो आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो होगा वो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो किडनी फेलर में क्या हो रहा है? किडनीज आर एनेबल टू रिमूव द बॉडीज मेटाबॉलिक वेस्ट। रीनल फेलर मींस किडनी फेलर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्यूट रीनल फेलर एंड सेकेंड इज क्रोनिक रीनल फेलर। एक्यूट में क्या होता है? इट इज अ सडन डिक्रीज इन किडनीज फंक्शन रिजल्टिंग इन Decreased GFR, glomerular filtration rate. Okay. देखो acute में क्या होता है? Suddenly क्या होता है? Kidney का function जो है वो reduce हो जाता है, decrease हो जाता है. Okay. And resulting in decreased glomerular filtration rate. और देखो chronic में क्या होगा? It is a progressive decrease in kidneys functions resulting in uremia. देखो acute renal failure में क्या है? Sudden decrease है, और chronic renal failure में है progressive decrease, means जो kidney का function है इसमें क्या होगा? हम जो किडनीज है उन्हें प्रीवियस जो भी उनकी स्टेट थी फंक्शनल स्टेट में ला सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस रहेगा ये रिवर्सिबल है एंड जो क्रोनिक रीनल फेलर है वो इररिवर्सिबल है। मींस देखो क्रोनिक रीनल फेलर को हम क्या बोलते हैं? ESRD means end stage renal disease. End stage renal disease का मतलब यही है कि ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है, इसे हम फंक्शनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। रीनल फेलियर में क्या होता है कि हम किडनीज को फंक्शनल स्टेट में ला सकते हैं और ये प्रोसेस है रिवर्सिबल, और क्रोनिक रीनल फेलियर का जो प्रोसेस है वो है इरिवर्सिबल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट रीनल फेलर। अभी हमने स्टडी किया है कि एक्यूट रीनल फेलर इज अ सडन डिक्रीज इन द किडनीज फंक्शन एंड रिजल्टिंग इन द डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी एंड कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलर। इटियोलॉजी, ओके, तो देखो जो एटियोलॉजी है उसे भी थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट इज प्री रीनल, सेकेंड इज इंट्रा रीनल, एंड लास्ट इज पोस्ट रीनल। तो देखो प्री रीनल कॉजेस क्या होंगे, इंट्रा रीनल कॉजेस क्या होंगे एंड पोस्ट रीनल कॉजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम प्री रीनल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो प्री रीनल में देखो क्या क्या कॉजेस होते हैं। फर्स्ट इज हैमरेज, सेकेंड इज एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स, वॉमिटिंग, डायरिया, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, शॉक। तो देखो ये जितने भी कॉजेज हैं ये है प्री रीनल कॉजेज। देखो सब प्री रीनल कॉजेज में आते हैं हैमरेज, एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स, कोई भी अगर पेशेंट है डायरेटिक्स का यूज कर रहा है और एक्सेसिव अमाउंट में डायरेटिक्स का यूज किया गया। डायरेटिक्स क्या होते हैं, जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि डायरेटिक्स है लेजिक्स एज मैनिटल, तो ये है डायरेटिक्स। और इनका एक्सेसिव अमाउंट में यूज होता है, एक्सेसिव यूज होता है तो उससे क्या होता है फेलर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग, तो देखो ये तो आप जानते हो वॉमिटिंग डायरिया। एंड नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, देखो जैसे डायरेटिक्स का एक्सेसिव यूज जो है वो किडनी फेलर में जो है कंट्रीब्यूट करता है, इसी तरीके से अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है एंड वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस लेता है और एक्सेसिव अमाउंट पे लेता है तो उससे क्या होता है एक्यूट रीनल फेलर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड लास्ट है शोक। ओके अब देखते हैं इंट्रा रीनल कॉजेज। इंट्रा रीनल कॉजेज क्या क्या होंगे, फर्स्ट इज नेफ्रोपैथी, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स, एंड इन्फेक्शन सच एज पाइलोनेफ्राइटिस। अब देखो नेफ्रोपैथी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी करवाया था, नेफ्रोपैथी का मीनिंग क्या होता है। नेफ्रोपैथी होता है जिसमें किडनीज की जो भी स्मॉल डक्ट्स होती हैं या फिर यूनिट होती है किडनी की, जो क्या करती है ब्लड को क्लीन करने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी। तो नेफ्रोपैथी भी एक मेन कॉज है एक्यूट रीनल फेलियर का। नेक्स्ट है नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था प्री रीनल कॉजेज में एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स, तो देखो चाहे वो डायरेटिक्स है चाहे वो एनसेड्स है, एनसेड्स मीन्स नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, देखो अगर एक्सेसिव अमाउंट में एनेसिड्स का यूज हो रहा है या फिर डायरेटिक्स का या हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, तो वो आते हैं नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स की कैटेगरी में, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं किडनी में। ओके तो नेक्स्ट है इन्फेक्शन सच एज पाइलोनेफ्राइटिस। और क्या कॉज हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर का, किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाना इन्फेक्शन की वजह से। और इन्फेक्शन किस लिए प्रेजेंट होगा, किसकी वजह से प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस भी एक मेन कॉज है, मेजर कॉज है एक्यूट रीनल फेलियर का। अब हम देखते हैं पोस्ट रीनल इटियोलॉजी, पोस्ट रीनल के कॉजेस देखते हैं। पोस्ट रीनल जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इसमें क्या होगा यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन सच एज कैलक्यूलाई, ट्यूमर, ब्लड क्लॉट्स एक्सेट्रा।
तो देखो पोस्ट्रीनियल में क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट की क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन की जो रीजन है वो है कैल्क्यूलाई। कैल्क्यूलाई मीन्स स्टोन्स, किडनी में जो स्टोन्स प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं रीनल कैल्क्यूलाई। नेक्स्ट है ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर प्रेजेंट है या फिर ब्लड क्लोट्स प्रेजेंट है। ओके, इटियोलॉजी हमने किए प्री रीनल कॉजेज, इंट्रा रीनल कॉजेज एंड पोस्ट रीनल कॉजेज। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देखो अब हम करें इसके पैथोफिजियोलॉजी। देखो हाइपोवोलीमिया की कंडीशन प्रेजेंट है। अब हाइपोवोलीमिया की कंडीशन प्रेजेंट है, हाइपोवोलीमिया का क्या मतलब है? हाइपो मीन्स लो, वोलीमिया मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इसमें डिक्रीज रहता है, हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया की वजह से क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर रह रहा है इसकी वजह से। और देखो ये तीनों जो है इंटरकनेक्टेड है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट ही जब रिड्यूस रहेगा, डिक्रीज रहेगा, तो लोअर अपर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोटेंशन और हाइपोवोलीमिया। तो ये है इंटरकनेक्टेड। अब देखो ब्लड जो है ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं हो पा रहा है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रहेगा, तो क्या होगा? किडनीज की ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ किडनी, किडनी को भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, और क्या होगा? बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी ऑफ रीनल आर्टरीज। देखो दोनों किडनी में जो रीनल आर्टरी, देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, तो रीनल आर्टरीज की ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी, क्योंकि इसमें भी क्या रहेगा? डिक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा हाइपोटेंशन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से, तो क्या होगा? रिड्यूस ब्लड फ्लो, किडनी को क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? किडनी का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, मीन्स किडनी जो है फुल्ली फंक्शनल नहीं रहेगी। और देखो फुल्ली फंक्शनल नहीं है किडनी, मीन्स जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या ये दोनों जो है इम्पेयर्ड किडनी की वजह से होंगे, और उसके रिजल्ट में हमें मिलेगा ऑलिग्यूरिया। ऑलिग्यूरिया में क्या होता है? यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। जो यूरिन आउटपुट है वो 400 ml से भी कम रहेगा पर डे की अगर हम बात करें, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑलिग्यूरिया। और ऑलिग्यूरिया किसकी वजह से प्रेजेंट है? इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन की वजह से। और देखो ऑलिग्यूरिया हो गया तो कंप्लीट किडनी डैमेज हो जाएगा, फर्दर कंप्लीट किडनी डैमेज। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जो फर्स्ट हमें फीचर शो होगा वो होगा ऑलिग्यूरिया। तो ऑलिग्यूरिया की कंडीशन शो होगी। ऑलिग्यूरिया में क्या होता है? यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। नेक्स्ट है एन्यूरिया। एन्यूरिया बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ यूरिन, इसमें जो यूरिन आउटपुट रहता है वो लेस देन रहता है 50 ml पर डे, लेस देन 50 ml पर डे। ओके, नेक्स्ट है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया का क्लिनिकल फीचर जो है क्यों शो होगा? ये फीचर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया की कंडीशन क्यों शो होगी? क्योंकि जो किडनी है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है। किडनी है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है, रिमूव नहीं कर पा रही है बॉडी से, तो क्या होगा? नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशन प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है लिथार्जी। तो देखो पेशेंट क्या रहेगा? लिथार्जी और इल। पेशेंट लुक लिथार्जी एंड इल। लिथार्जी मीन्स फैटीग या फिर मेलेज। नेक्स्ट इज अडीमा। अब देखो अडीमा क्यों प्रेजेंट होगा? हमने इटियोलॉजी में किया था कि ट्रोमा, ब्लड क्लॉट्स की वजह से क्या हो जाएगी? यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से अडीमा प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन प्रेजेंट रहेगी पेशेंट को। एंड यूरेमिक फेटर। यूरेमिक फेटर में क्या होता है? स्मेल ऑफ यूरिन कम्स इन ब्रीथ। देखो जो यूरिन की स्मेल है वो ब्रीथ में प्रेजेंट रहती है। जो पेशेंट जो है वो ब्रीथ करेगा तो क्या होगा? यूरिन की स्मेल होगी, तो उसे हम बोलते हैं यूरेमिक फेटर। तो ये तो थे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ये तो हमने किया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब फोर ऐसे क्लिनिकल फेजेस होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के, तो चलिए देख लेते हैं फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर।
ओके, तो फर्स्ट है इनिशिएशन पीरियड, इनिशिएशन पीरियड। सेकंड है पीरियड ऑफ ऑलिग्यूरिया। थर्ड जो फेज है वो है पीरियड ऑफ डायरेसिस। एंड लास्ट है पीरियड ऑफ रिकवरी। इनिशिएशन जो पीरियड है वो कहां एंड होता है, एंड्स विथ डेवलपमेंट ऑफ ऑलिग्यूरिया। देखो ये ऐसे फोर फेजेस हैं, जैसे कि एक्यूट रीनल फेलर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलर स्टार्ट हो गया एंड एंड कैसे हुआ, इनिशियल पीरियड में, मीन स्टार्टिंग पीरियड में ओलिग्यूरिया के साथ ये फेज जो है एंड हो जाएगा। इस फेज का जो रिजल्ट होगा वो होगा ओलिग्यूरिया। ओके, अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा जिसमें ओलिग्यूरिया प्रेजेंट है, पीरियड ऑफ ओलिग्यूरिया। आपको पता है ओलिग्यूरिया में यूरिन आउटपुट रहता है लेस देन 400 ml पर डे। देखो पीरियड ऑफ ओलिग्यूरिया में क्या होगा, एक तो हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन प्रेजेंट रहेगी, मींस कैल्शियम लेवल जो है वो कैल्शियम लेवल है ब्लड में रेज हो जाएगा। और दूसरी चीज है इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो लेवल है वो इंक्रीज रहेगा ब्लड में। अब देखो थर्ड फेज है पीरियड ऑफ डायूरेसिस। देखो इसमें क्या हुआ, ओलिग्यूरिया का फेज था ये, इसमें 400 ml पर डे जो है यूरिन आउटपुट रहता है, और क्या होता है हाइपर कैल्शियमिया, इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में रेज है। अब आता है पीरियड ऑफ डायूरेटिक्स, तो इस फेज में देखो क्या हो रहा है, इसमें रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो इसमें क्या रहेगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज बोल सकते हो, और बोल सकते हो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। कौन से फेज में, पीरियड ऑफ डायूरेसिस में। एंड जो लास्ट फेज है पीरियड ऑफ रिकवरी, उसमें लगते हैं 3 to 12 months, 3 to 12 months टू कंप्लीट इंप्रूवमेंट ऑफ द रीनल फंक्शन। ओके, तो ये तो दी फेजेस। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखो डायग्नोस में हम दो तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसमें मेनली, फर्स्ट इज यूरिन एनालिसिस एंड सेकेंड इज ब्लड टेस्ट। देखो यूरिन एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, यूरिन आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में होगा सीबीसी, और ब्लड टेस्ट में साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, BUN। BUN मींस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल देखेंगे ब्लड में रेज्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम करने वाले हैं ब्लड टेस्ट एंड यूरिन एनालिसिस। ओके, देखो मैनेजमेंट की बात करते हैं। शोक एंड इन्फेक्शन इफ प्रेजेंट शुड बी ट्रीटेड। अगर शोक और इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हम उसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटर वाइटल, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है बीपी एंड टीपीआर। बीपी डिनोट्स ब्लड प्रेशर एंड टी डिनोट्स टेम्परेचर, पी डिनोट्स पल्स एंड आर डिनोट्स ट्रांसपिरेशन। एंड इनटेक आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करते रहेंगे क्योंकि एआरएफ है, एंड इनपुट इनटेक आउटपुट चार्ट को हमें मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट इज डायरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे अगर वाटर रिटेंशन है तो, वाटर रिटेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि जीएफआर रिड्यूस हो रहा है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे रीनल कैल्क्युलाई या ट्यूमर ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट है तो उसके लिए हम डायरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। और डायरेटिक्स होते हैं मेनली लेजिक्स, मैनिटल। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसीजर है वो हम क्यों करेंगे स्टार्ट, क्योंकि जो रीनल आर्टरीज है उसमें क्या हो रही है, हाइपोटेंशन। तो रीनल आर्टरीज में जो है इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी स्टडी किया था, उसके लिए हम देंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो रीनल आर्टरीज है उनमें जो ब्लड है उसे रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस क्यों देते हैं, देखो जो भी बॉडी का यूरेमिक वेस्ट है या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ रीनल फ्लूइड बोल सकते हो उसे रिमूव कर दिया जाता है डायलिसिस में, तो हम डायलिसिस भी कंडक्ट करेंगे।
ओके नेक्स्ट इज मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन. एडिक्वेट न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है. ओके लास्ट है फॉलोअप. तो अब हम देखते हैं प्रिवेंशन. अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन जो है वो टोटली कॉजेज से रिलेटेड होती है. प्री रीनल कॉजेज की बात करें तो वो कॉज थे जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन. तो अगर हम इन मेडिकेशन को लिमिटेड अमाउंट में लें, एक्सेसिव यूज नहीं करेंगे, तो उससे भी हम एक्यूट रीनल फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं. तो प्रिवेंशन जो है वो कॉजेज से रिलेटेड रहती है. मीन्स ऐसे कौन सी रीजन है, कौन से कॉज है जिसकी वजह से ARF अराइज होगा. तो हम अगर उन कॉज को ही प्रिवेंट कर दें तो ARF जो है अराइज ही नहीं होगा. तो प्रिवेंशन टोटली इटियोलॉजी से रिलेट करती है. ओके तो आज हमने किया एक्यूट रीनल फेलियर. और आपको मेरी वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कॉमेंट करके क्लियर कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.